राम राम भाई, सारे भाई है ना, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आए हो भाई? सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई अपनी तो कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, पेट में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई। 3 4 दिन हो गए हो रहा था, जब टूर्नामेंट था पहले हो रहा था, और अब टूर्नामेंट में तो आने के बाद तो भाई और भी ज़्यादा फर्क पड़ गया यार। थोड़ा सा नस नुस खिंच रही पेट की, और बाकी कई काम हो रहे यार, दुख रहा मतलब ज़्यादा। इस वजह तक कोई खास वीडियो नहीं बना पाए। तो भाई ट्रैक्टर भी कल ही उतारा था ट्राली में, तो ऐसे ही खड़ा था 1 2 दिन, तो ऐसे ही खड़ा रह गया बिल्कुल। माँ यार क्यों उतारने घर आए, पीछे रोश नहीं रहा भाई दे 1 2 दिन, तो कहाँ लौटे कहाँ नहीं। क्यों? एक तो कंडीशन ख़राब हो गई थी यार, और एक भाई जब टूर्नामेंट में आवा ना खेल का, थोड़ा बंदा थकान महसूस करा है, और भाई गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। क्योंकि यार टूर्नामेंट में जाओ ना, जो सा बंदा जाओ उसने पता लगे जा भाई के सारा दिन बस अड हो जाए यार, जाए पीछे। तो यह बात थी। तो बाकी भाई सारे भाई आता है धन्यवाद करेंगे भाई, जिनसे भाई ने इतना प्यार दिया। तो बस टाइम भाई आज मिला ढंग था बात करने का आप सब तक, क्योंकि आज मेन मकसद यही है कि भाई दो बात कर ले सारे भाई आता। तो भाई बहुत साथ दिया भाई उन भाइयों ने भी, और आप सब ने भाई इतना प्यार दिया यूट्यूब पे, तो नू इंस्टाग्राम पे भी दे रहे आप भाई बहुत प्यार दे रहे, नू सपोर्ट बनाए रखो बस सारे भाई। जल्दी भाई एक टूर्नामेंट हो रहा है शाहबाद के पास है, जो लाडवा शाहबाद है, वहाँ भी जाने की सोचेंगे 3 4 ट्रैक्टर। तो वो भी आप सब तो बता दिया जाओगा कि डिसीजन रहोगा, 3 4 ट्रैक्टर जाऊँगे अपने AK-47 ग्रुप के, अगर मतलब सही बात बनी तो जाऊंगे, वरना देखते आप सब, तो वो भी आगे बता देंगे। और भाई एक और अच्छी बात भाई, जब हम टूर्नामेंट जीतते थे ना, तो बहुत भाई एक मैसेज आया भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई 3 4 ट्रैक्टर एक ही ग्रुप के और फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम उठा लिया हो। तो चलो यार भाई अभी बात बहुत अच्छी, और एक बात और अच्छी है, क्योंकि भाई जो सोनीपत का अखबार है ना, दैनिक भास्कर शायद, उसमें अपनी फोटो आ रही है, एक बारी बैक कैमरा करके दिखा दूँ। यो देखो भाई, दैनिक भास्कर सोनीपत 22/8/2024 ट्रैक्टर टोचन में पानीपत के कुराड़ का साहिल विजेता, और भाई नीचे हेडलाइन लिख रही है। तो भाई इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई भाई, घनी ज़्यादा खुशी हुई इस बात की। तो यार देखो भाई, जीत की भी खुशी है और यह भी बहुत ज़्यादा खुशी है भाई। हमने तो भाई बहुत अच्छी बात लगी भाई कि भाई अखबार में भी मतलब प्रचार होया या कुछ होया हमारे नाम का, तो यार बहुत अच्छी लगी यह बात भी। और भाई मैंने आप सब तो बोल ली थी पिछली वीडियो में ना, हेडलाइन डाल रखी भाई AK-47 का चैम्बर फट गया, बारिश आ रही, बारिश में बाहर जाकर आप सब तो दिखाऊंगा कि भाई उसमें सच्ची में प्रॉब्लम आने आने तब बच गई, बोले अब की दया थी वो बच गई, वरना भाई बहुत काम खराब हो जाता उस टाइम पे। जब अगर चैम्बर नीचे तो फट जाता ना, बस कोई कोई चांस रह रहा है उसका फटने का और टूटने का, जो भी कुछ हो जा रहा है, तो कोई कोई चांस था, बस वो बच गया। कुछ लगा लिया किसी मत अच्छी लगा लिया, कुछ लगा लो भाई। बाकी यार पहली बार ऐसा कुछ होया है, मतलब ट्रैक्टर ट्राली में तो उतारते टाइम ऐसा कुछ काम हुआ भाई नहीं, आज तक इतने टूर्नामेंट हम चल गए आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था। चलो यार बोले अब बने शुक्र रखे इस बात का भी, एक बार बैक कैमरा करके आप सब तक बाहर जाकर दिखा दूँ। बारिश भी आ रही भाई आज, आज भी वीडियो ढंग से नहीं बना पाऊंगा, दो चार काम हो रहा है वो भी आप सब तो बाहर जाकर बताता हूँ। देख लो भाई ट्रैक्टर पर वजन भी ऐसे ही लगा लग रहा है, अब तक तो वो भी नहीं उतारा, और जो ट्राली में वजन था ना सिर्फ वो उतार रखा है, वो भी यहाँ पर रख दिया। और बाकी दिखाऊँ भाई आप सब तक इसका चैम्बर, बारिश आ रही भाई, छतरी लेकर फिर रहा मैं पूरा देख सको छतरी। तो भाई दिखा दूँ आप सब तक, ये देखो भाई चैम्बर, नट देखो कितना मुस रहा है इसका, नट देखो भाई वो कितना मुस रहा है, देख कितना टेढ़ा हो रहा है, और यहाँ तो देखो भाई बिल्कुल मतलब कोई कोई कसर रहेगी, और देखो कितनी लीकेज होगी इसमें। जबके बाद यार ट्रैक्टर का जो सा एक ही आया यार सील भाई, या पंप पंप वाली सील नहीं मिल रही कहीं पानीपत में, ये 2 3 काम है यार इसका, नीचे वाला तेल भी वो भाई कम हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार जितने भी टोच लगाया ना हर बार ही निकल जाए वो तेल, या इस बिना भी काम खराब हो रहा है, और यू भी, और 2 3 काम है इसके। आज देखो यार बारिश आने लग रही फिलहाल भी, तो देख सको भाई आप बारिश आने लग रही, बारिश में यार कुछ काम नहीं होता। और इसकी जो सी गोली है ये बोली थी मैंने, उस दिन मेरा टाइम था भाई, उस दिन दुकान बंद थी, फिर अगले दिन टाइम नहीं लगा, उस दिन दुकान खुल रही थी, यो काम हो रहा है यार। फिर अगला फिर दिन टूर्नामेंट का था, फिर एक दिन में कहाँ सारे काम होते भाई, यो भी ऐसे चला दिए। अगला टायर बहुत घिसा भाई इनकी वजह से, ये देखो इस साइड कितना झुकाव पड़ रहा,
लाइन आउट हो रही है ना इस वजह से, गोली छोटी बड़ी हो रही, तो दोनों गोली नहीं लेकर नहीं डाल देंगे हम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनेगी। बाकी भाई जोटे ने कमाल कर दिया, लव यू हो भाई तेना भी छोरे। बुलेट खड़ी भाई, और भाई गर्म आगे सोराज रहा भाई, यू भी देखे काफ़ी दिन हो गए। आप सब ने मैं एक बार दिखा दूँ तो यार, इसने टूर्नामेंट में ले जाने का मन करा, लेकिन इसके पिछले रेडियल टायर है इन वजह से इसने लेकिन जा सकते सिर्फ या मजबूरी है भाई। और अपनी जो लिंके है AK-47 के पड़ी यहाँ पर उतार रखी, तो यार जो अपना ब्रोदर 855 वाला ट्रैक्टर है भाई, वो मैं अपना खुद का ही मान लूँ, क्योंकि यार बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन सब ना पता इस बात का, वो माउजर की तरह है भाई बिल्कुल ठीक है। मैं अपना बिल्कुल अपना करके चलाऊँ, सुनाया तैयार भी करूँ जो भी कुछ करूँ, तो वो भाई भी मेरे तक 1% भी मतलब नू नहीं है अखाँ भाइयों किसी बाहर गए का ट्रैक्टर, बिल्कुल अपना खुद घर जैसा ट्रैक्टर है, वो भी माउजर का दूसरा भाई है। इस वजह से स्वराज की छुट्टी कर रखी फिलहाल के लिए, अभी वो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा भी टाइम आओगा टोचन में, तू भी एक दिन ऐसे ही जीत हासिल करेगा छोरे। चलो भाई मिलते हैं कल और एक नई वीडियो में, बारिश वूरिश रुक जाएगी फिर दिखाते हैं आप सबका अगले दिन का क्या कार्यक्रम रहेगा।